Assalamu alaikum and good morning students. I hope all of you are doing good. This is the third lecture of resource pack of class 5. So open page number 15, worksheet number 4. The topic is paragraph writing. You have to write a paragraph about my best friend. My best friend के बारे में आपको एक पूरा paragraph लिखना है. Our best friend is one of the most precious gifts of God. ठीक है, एक जो बेहतरीन दोस्त होता है वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एक कीमती जो है वो इनाम होता है, तोहफा होता है. My best friend is dash. ठीक है, आपने यहाँ पे अपने बेहतरीन दोस्त का जो आपको बहुत ज़्यादा ठीक है best friend है उसका आप यहाँ पे name लिखेंगे. He she belongs to high and rich family. ठीक है, he for boys and she for girls. अगर लड़कियाँ ठीक है इसको लिखेंगी तो वो शी यूज़ करेंगी, बॉयज़ जो हैं वो ही का यूज़ करेंगे. फिर आगे लिखेंगे कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो एक अमीर और ठीक है ऊंचे ख़ानदान से उसका ताल्लुक है. वी बिकेम फ्रेंड्स सिंस वी वर इन क्लास 4. हम उस वक्त दोस्त बने थे जब हम क्लास 4 में ठीक है मतलब थे. डैश हैज़ अ बाइक. यहाँ पे आपका जो भी दोस्त है या ठीक है लड़की है तो आप यहाँ पे लड़की का नेम लिखेंगे. अगर लड़का लिख रहा है तो वो यहाँ पे लड़के का नाम लिखेगा कि उसके पास बाइक है. ही शी गिव्स मी पिक एंड ड्रॉप. ठीक है, गर्ल्स ये वाली लाइन ना लिखें कि उसके पास बाइक है या ठीक है वो मुझे पिक एंड ड्रॉप देती है. ऑफ कोर्स गर्ल्स तो गर्ल्स के पास तो बाइक नहीं होती और वो ठीक है पिक एंड ड्रॉप भी नहीं दे सकती हैं, तो बॉयज़ ये वाली लाइन्स जो हैं वो लिख लें. ही शी हैज़ वास्ट नॉलेज इन इंग्लिश. ठीक है, उसको इंग्लिश में ठीक है बहुत ज़्यादा वो नॉलेज रखता है या रखती है. ही शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़. ठीक है, मेरी स्टडी में वो मदद करता है या करती है. ही शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो बहुत ज़हीन है. ही शी इज़ इंडीड वेरी काइंड हार्टेड. वो बहुत रहम दिल है. ही शी ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प अदर्स. वो हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है या रहता है. ही शी नोज एवरी थिंग अबाउट मी. वो मेरे बारे में हर चीज़ जानती है या जानता है. एंड ऑलवेज़ हेल्प्स मी बाई एवरी पॉसिबल मीन्स. ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करती है या करता है मेरी मदद करने में. आई एडमायर प्रेस एंड लव माई फ्रेंड वेरी मच. ठीक है, मैं अपने दोस्त की या अपनी दोस्त की बहुत तारीफ़ करती हूँ, उसको एडमायर करती हूँ और उसकी ठीक है उसे बहुत प्यार करती हूँ. आगे वी बोथ हैव प्रोमिस्ड. हम दोनों ने वादा किया है टू कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप कि हम अपनी जारी रखेंगे अपनी दोस्ती को टिल लाइफ लॉन्ग. ठीक है, पूरी ज़िंदगी जो है वो हम अपनी दोस्ती को जारी रखेंगे. ही या शी ठीक है इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड. मेरी दोस्त या दोस्त ठीक है जो लड़की है या लड़का है तो आपकी दुनिया का सबसे अच्छी दोस्त या अच्छा दोस्त है. ठीक है, तो आप इस तरह ये पैराग्राफ जो है वो पूरा यहाँ पे राइट करेंगे. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 16. सो ओपन पेज नंबर 16. दिस इज पेज नंबर 16 एंड वर्कशीट नंबर 1. पिक्चर डिस्क्रिप्शन. व्हाट कैन दे सी. ठीक है, ये पिक्चर है. इस पिक्चर को देख के आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन देनी है और ये क्या क्या देख सकते हैं. आप पिक्चर में सबसे पहले देखें कि ठीक है एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों जो हैं वो एक बलून एयर बलून में जो है वो ठीक है ऊपर को जा रहे हैं, आसमानों में जा रहे हैं. ठीक है, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो इर्द गिर्द सब तरफ देख रहे हैं. नीचे वो जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको वो ऊपर से ठीक है इस डिस्टेंस से देख सकते हैं. ठीक है, व्हाट कैन दे सी. ये क्या क्या देख सकते हैं इस डिस्टेंस से. ठीक है, जिस बलून में वो सफ़र कर रहे हैं वो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर्ट्स हैं, हाउसेज हैं, रोड्स हैं, ट्रीज़ हैं, स्ट्रीम है, बोट है, ठीक है, ग्रास है, माउंटेन्स हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर से ये वो देख सकते हैं. ठीक है, दे कैन सी फ्रॉम दैट डिस्टेंस. तो आपको क्या करना है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि वो क्या क्या देख सकते हैं. ठीक है, कोई 10 जो हैं चीज़ें हैं 10 थिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे राइट करनी है जो वो ऊपर से देख सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है. मिली एंड पीटर. ठीक है, इनके जो नेम है वो मिली एंड पीटर है. आर हैविंग ए ट्रिप इन अ हॉट एयर बलून. क्या कर रहे हैं वो हॉट एयर बलून में. ठीक है, वो ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं. दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. वो एक बहुत अच्छा वक्त इंजॉय कर रहे हैं. देयर बलून इज़ बिग. उनका जो बलून है वो बहुत बड़ा है. इट इज़ येलो एंड ब्लू. ठीक है, इसके जो बलून है दो कलर्स में है, येलो और ब्लू कलर में है. दे लुक ऑल अराउंड देम एंड दे लुक डाउन. ठीक है, वो इर्द गिर्द देख रहे हैं और नीचे भी वो देखते हैं. व्हाट कैन दे सी. वो क्या क्या देख सकते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड लिस्ट डाउन एनी 6 ऑब्जेक्ट्स विच दे कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस. ठीक है, वो इस डिस्टेंस से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं वो आप यहाँ पे राइट करेंगे. जैसे हाउसेज हैं, मैंने आपको बताया था, रोड हैं, ये देखिए ये रोड है, हाउसेज हैं, ट्रीज हैं, हॉर्स है, ये हॉर्स है,
देखें हॉर्स है, बुशीज़ हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो हैं ये देखें, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, बुशीज़ हैं, बोट है स्ट्रीम में, स्ट्रीम है, माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं जो वो देख सकते हैं, ग्रास है ठीक है नीचे, और बार है, ये जो हाउस के आगे बार बनी हुई है ये है ठीक है। इस तरह आप ये जो 10 हैं इसको आप यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।